हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंग कूल गेमर। तो गाइस, आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, और माइनक्राफ्ट में आज हम गाइस करेंगे फ्लोर 7 की कंप्लीशन। और उसके लिए मुझे पहले चाहिए था एक अच्छा वेपन एंड लिवर डैगर तो थी, लेकिन गाइस उससे मुझे क्लियर करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो इसके लिए मैंने लिए थे कैरीज, जिससे मैं यूज़ कर पाऊँ जूजू बो। और जो वो कैरीज थे वो मैंने लिए थे स्काई ब्लॉक मेनियक से, और उनका स्क्वाड सर्वर है जो कि मेरी डिस्क्रिप्शन में होगा इस वीडियो के। और ये देखो, मैंने गाइस पिछली बार से जूजू बो रखी थी क्योंकि गाइस उसके अंदर एक ग्लिच था कि वो डंजन में चल सकते थे स्टिल, तो मैंने गाइस जूजू बो अपनी रखी हुई थी। और उसके साथ में गाइस 80 लेवल हो चुका स्काई ब्लॉक का, यानी अनकॉमन प्रीफिक्स। तो ये मेरा गाइस पहला है, पहला रंग जूजू बो, और ये आप देख सकते हो क्या डैमेज है इसको। और अभी ये जैसे जाएगा, और कितना डैमेज है, 8,50,000 के आसपास है गाइस डैमेज, देख सकते हो गाइस कितनी आसानी से क्लियर हो जाता है। जूजू को इसलिए पसंद है क्योंकि अगर आसपास दो तीन एनिमीज है तो सबको एक साथ डैमेज लगता है। और इस ग्राइंड की स्टार्टिंग में मेरा कैटाकॉम है 21, आर्चर है 19, और आर्चर ही वैसे मेन है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। और बाकी मेरा आर्चर 19, टैंक 14, बिजर्कर 17, हीलर 15 और मेज भी 15। तो इस बाकी स्किल्स के ऊपर मैंने इतना फोकस नहीं किया हुआ है। और अभी हमारा डे वन में हमने जूजू अनलॉक की थी, और डे टू में अभी हम कर रहे हैं गाइस कैटा एक्सपी के लिए मेहनत। और ये आप देख सकते हैं मैं फ्लोर 6 के रन कर रहा था और एकदम आसानी से हो जा रहे थे। जब तक हमारी पार्टी में टैंक था तब तक काफ़ी ईजी था। और पहला रन गया मेरा F6 का S, और इसके अंदर प्रॉफिट मिल गया चलो थोड़ा सा ही जाइए। और दूसरे रन में भी एस मिला पर उसके अंदर एक्सपी कम मिली। और अभी गाइस डे 3 मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन मैंने उस दिन भी ग्राइंडिंग की थी। और डे 4 के पहले रन में ही मैंने मिल गया एक रीकॉम, और रीकॉम यानी गाइस सीधे 2 मिलियन का प्रॉफिट। और अभी मैं गाइस वापस जाता हूँ, और जो देख सकता हूँ ये भी एक एस रन था, ये फ्लोर 5 का था। और अभी हम सीधे आ चुके हैं डे 6। और इस दिन हमने गाइस बहुत कुछ किया, इस बार एस प्लस था फ्लोर 5 में, शेडोज ऐसे बूट्स थे और यहाँ पे हेलमेट, लेकिन गाइस लॉस है, यानी ये सब उनके आगे मैं अपनी पी लीव करता और मैं अपना कैटाकॉम चेक करता और मैं हो चुका था फाइनली 24। और फिर मैं जाता हूँ स्काई ब्लॉक मेनियक्स के सर्वर पे, और ये आप देख सकते हैं मैंने टिकट क्रिएट कर दिया कि मुझे फ्लोर 7 का कैरी चाहिए। मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्लोर 7 की एक कंप्लीशन, और मेरा IGN मैंने लिख दिया है, और यहाँ पे आ गया कि आपका एक्सेप्ट हो चुका है और वो आपको पार्टी में बुला लेगा। और उसी वक्त मैं देखता हूँ तो मुझे गाइस इनवाइट आ चुकी है, ये आप देख सकते हो मुझे इनवाइट आ चुकी है, और उन्होंने फ्लोर 7 स्टार्ट कर दिया। ये देखो स्टार्ट हो चुका है सब कुछ, और यहाँ पे गाइस बाकी का रन मैं किसी और दिन देखेगा क्योंकि मैंने फ्लोर 7 अभी करना है, बस तो उसके लिए मुझे काफ़ी कुछ चाहिए, यानी हाई कैटाकॉम चाहिए 24 से भी ज़्यादा। और यहाँ पे गाइस मैं उन्हें देख रहा था कि वो कैसे क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद हम बॉस फाइट एंटर कर जाते हैं। उन्होंने स्टार्टिंग के 2 फेज बहुत ईजीली, और ये मैं उन्हें देख रहा था कि उन्होंने सीक्रेट्स कैसे करते हैं, यानी यहाँ पर जो हमारे टर्मिनल्स लगे होते हैं, क्योंकि गाइस फ्यूचर में मैंने भी ये टर्मिनल्स करने हैं, तो इसलिए मैं देख रहा था कैसे करते हैं वो लोग। ओके, फिर मैं उनसे पूछ रहा था कि फायर इफेक्ट कैसे ना ले, क्योंकि फायर से ना ऐसे हल्का हल्का जो नॉक बैक पड़ता है तो मुझे, यानी वो थोड़ा अजीब सा था। वो कहते हैं एक टैलिस्मैन से शायद होता है। और फिर गाइस हम नेक्रोन वाली फाइट में आ जाते हैं फाइनल, और वो इतनी जल्दी नेक्रोन को मार भी देते हैं, यानी पता भी नहीं चलता। और फिर नेक्रोन TNT फेंकता है और हमारा रन एंड। लेकिन आज मुझे इस एक रन से मिली थी 50,000 XP, और मुझे नेक्रोन हैंडल नहीं मिला जो मैं सोच रहा था मुझे पहले रन में मिल जाएगा, चलो नहीं मिला। और यहाँ पे गाइस मैं अपने अगले आर्मर के लिए पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ, और जो कि है गोल्ड। तो गाइस मैं नेक्रोन आर्मर के लिए भी जा सकता था, पर मैं इसलिए नहीं गया हूँ क्योंकि टैंक की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है और बहुत ही कम लोग टैंक बनते हैं, तो इसलिए अगर मैं टैंक बनूंगा तो मैं पार्टीज़ में भी आसानी से जा सकता हूँ और मैं अपनी टीम की मदद भी कर सकता हूँ, क्योंकि टैंक हमारे टीम्स का
80% डैमेज अपने ऊपर लेता है जब तक वो हमारे 30 ब्लॉक्स की रेंज में। और फिर मैं अपने सारे मिनियंस आया हुआ सामान बेचता हूँ, फिर मैं कौन सी लेगिंग्स ढूंढता हूँ। और मुझे ये वाली अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। और मेरे पास एक पीस था गोल्ड और का, उसके बाद मुझे सस्ते में मिल गया और उसके बाद फ्यूमिंग्स भी लगे हुए थे। और यह मैं ले लेता हूँ जाइंट गोल्ड और लेगिंग्स। अब देख सकते हो दो पीस आ गया मेरे पास अभी, मुझे एकदम कूल हो गया यार। एचपी से बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और अभी मैं 19 मिलियन लेके आ जाता हूँ वापस। आप देख सकते हो मेरे बैंक में सिर्फ 16 मिलियन रह गए। और क्या करेगा, स्टार्टिंग में मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे थे। और फिर मैं सोचता हूँ क्यों ना इसे विजडम 5 वाले लिए जाए, क्योंकि मैंने अपने गोल्ड और पे विजडम 5 अल्टीमेट लगानी है। तो पहले से उसके ऊपर अल्टीमेट एनचांट लगी हुई थी तो मैं उसे ले लेता हूँ। 19 मिलियन की थी हॉट पोटैटो, काफ़ी हद तक सारा कुछ लगा था जो चाहिए। मैं काफ़ी समय तक सोचता हूँ कौन सा पीस बढ़िया है और कौन सा मुझे लेना चाहिए। एंड में मुझे ये वाला पीस सेम ही था, ये भी काफ़ी हद तक सेम था तो मैं इसे ले लेता हूँ। बस उसके बाद रेजू 5 थे जो कि गाइस आराम से 400K में डल जाएगी। तो ये गाइस मेरे पास आ चुकी है 3 पीस। गाइस मैंने हेलमेट नहीं लेना है, हेलमेट की जगह पर मैं यूज़ करने वाला हूँ रीपर मास्क, लेकिन अभी तक मेरे पास रीपर मास्क अनलॉक नहीं हुआ है। और मेरे पास गाइस मेरे शैडो सेशन से भी ज़्यादा एचपी थी सिर्फ इसके 3 पीसेज में। तो मेरे पास गाइस इसका भी एक अल्टरनेटिव पीस था जो मैं हेलमेट की जगह पर यूज़ कर सकता हूँ। और उसके लिए मैं गाइस यहाँ पे एक सर्च लगा देता हूँ अपना मेंडर फंडोरा हेलमेट, और वो मुझे मैं गाइस टेस्ट में देखता हूँ कि जहाँ भी वो होगा वहाँ पर गाइस एक रेड कलर का ब्लॉक बन जाएगा। और यह देख सकते हो इसके अंदर था। तो गाइस इसको मैं यूज़ करूँगा क्योंकि मेरी हीलिंग भी डबल हो जाएगी। सेम ही रीपर मास्क करता है, लेकिन रीपर मास्क करता है एच पी ज़्यादा देता है, और जिससे मेरी EHP ज़्यादा होगी और मैं आसानी से सर्वाइव कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं इसे लगा देता हूँ। HP मेरी 3000 से ऊपर है जो कि एकदम ओपी बात है। और ये है मेरा अभी के लिए सेटअप। तो गाइस अगली वीडियो में हम गोल्ड ओर के साथ पूरी टेस्टिंग करने वाले हैं। और अब यार देख सकते हो ये मेरा सेटअप। तो गाइस अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।